नए मेडिकल कॉलेजों के लिए उत्तराखंड के पुराने स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को उजाड़ा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल श्रीनगर में स्थापित मशीनों को अल्मोड़ा शिफ्ट करने के आदेश चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा जारी किए गए हैं, जिससे अब अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेज को संवारने के लिए पुराने मेडिकल कॉलेजों को उजाड़ा जा रहा है। वर्ष 2008 में श्रीनगर में प्रदेश के प्रथम सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। शुरू में कॉलेज ठीक ठाक चला, लेकिन वर्ष 2012 के बाद संस्थान की हालत खराब होने लगी। समय पर प्रमोशन न होने और नियमितीकरण न होने से धीरे धीरे यहाँ पर फैकल्टी भी अस्पताल छोड़ने लगी। अब फैकल्टी के बाद मशीनों को यहाँ से ले जाने का नंबर आ गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक ने 13 सितंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेस अस्पताल अल्मोड़ा को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि बेस अस्पताल श्रीनगर से टीएमटी मशीन हस्तांतरित करने के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य से संपर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। इको टीएमसी मशीन को मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के आदेश के बाद अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की बदहाली के खिलाफ लोगों में लगातार आक्रोश पनप रहा है। कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो उन्हें कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल बेस चिकित्सालय में जरूरी जांचों के लिए प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ समय से अस्पताल में छोटी से छोटी जांच भी नहीं हो पा रही है। मेडिकल संस्थान एक रिसर्च आयुर्वेदिक संस्थान है, ये सबसे बड़ी संस्था होती है, तो इस यहाँ पर हर चीज़ का इलाज संभव होना चाहिए, लेकिन ये लोग एक जिला अपने से निम्न स्तर पे एक जिला अस्पताल के लिए यहाँ से मरीजों को रेफर करते हैं। बड़ा सोचने विषय, गढ़वाल का हृदय स्तरीय होने के कारण यहाँ की मेडिकल कॉलेज 4-5 जिलों को प्रभावित करता है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, यहाँ के मरीज सबसे पहले श्रीनगर ही आते हैं, और ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहाँ ना सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी यहाँ पिछले काफ़ी समय से नहीं है। इनकी मुख्य समस्या ये थी कि एक तो यहाँ पे जो है डॉक्टर्स की कमी है, दूसरा जो मशीनें हैं मशीनों को जो पुरानी हैं उनको जो है उसकी उससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि जो है अभी हम लोगों ने जो इंटरव्यू के लिए एड निकाला है, चाहे फैकल्टी का हो SR का हो, 4 अक्टूबर को हमारे फैकल्टी के इंटरव्यू होंगे, तो जहाँ जहाँ फैकल्टी की शॉर्टफॉल होगी हो सकता है कि उसमें जो है सुधार हो। ऐसे हमें ये निर्देश मिले हैं शासन से और वहाँ से डायरेक्टर से कि हम लोग जो है आपको बहुत जल्दी जो है मशीनों की उपलब्धता कराएंगे, चाहे वो इको मशीन हो, चाहे वो TMT मशीन हो, चाहे वो CT मशीन हो। इसके लिए प्रयास हमारे जो है अन्य स्रोतों से भी जारी है। संवाद 365 के लिए